हेलो एंड वेलकम टू वेट स्टडी। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया और अपने साथियों में शेयर भी किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए कि उन्होंने कई ऐसे जानवरों को देखा है जो बेसहारा पड़े रहते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से या हम उनका क्या करें, हम उनकी मदद नहीं कर पाते, उन्हें दवाई नहीं दे पाते या उन्हें डॉक्टर तक नहीं पहुँचा पाते। जो आप ये तार मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तार कई जानवरों के घायल होने का कारण है। ये तार किसान की फसलों को तो ज़रूर बचाता है, लेकिन जानवरों की जान ही बचता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं हनुमंत जीव आश्रय, जो कि उन्नाव में स्थित है, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग स्वयं से पहले बेसहारा जानवरों की देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और किस तरह से वो समाज के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। अगर आपको उनका काम प्रशंसनीय लगे, सराहनीय लगे, तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार अखिलेश जी। जो आप ये नेक काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा नहीं, ये हमारे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से है। जहाँ जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ पले बढ़े, जिस घर में, उस घर में बचपन से ही 16 से अधिक गोवंशी हुआ करते थे। हमारी अम्मा शिक्षिका होने के साथ पहले गौसेवक थी। उन गौवंशियों का चारा पानी करने के बाद वो स्कूल जाती थी, हम भी उन गायों को चराने जाते थे। तो वो रिश्ता इतना मजबूत था कि वो आज तक टूटा नहीं और प्रगाढ़ होता गया और दृढ़ होता गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज आप इतने इस बड़े एरिया में आप ये काम कर रहे हैं, तो ज़रूर निश्चित रूप से आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। आपको जगह की दिक्कत हुई होगी, तो आपने कैसे ये सब मैनेज किया, आप कैसे निरंतरता अपने अंदर आपने बनाए रखी? दिक्कतें तब दिक्कतें नहीं लगती हैं जब आप किसी धुन में लगे हों। जैसे आपको उस पार जाना हो और बीच में कांटे हों, तो वो कांटे आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगते, क्योंकि आपका लक्ष्य उस पार जाना होता है। हमने जब यात्रा शुरू की तो हम अर्थ से भी संपन्न थे। अर्थ की उस समय शुरुआत में न तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और जितनी आवश्यकता थी उसकी हम पूर्ति कर स्वयं करने में समर्थ थे। लेकिन जब काम बढ़ने लगा तो अर्थ के बारे में भी सोचना हमारी व्यवस्था थी, हमारी आवश्यकता थी। हमने उसी सुंदरकांड को अपना माध्यम बनाया। शहर में जगह जगह पर हम लोग बिछाकर सुंदरकांड करने लगे और उससे भिक्षा मांगने लगे। उस भिक्षा से जो धन आता उससे इनका चारा पानी, और वो जो प्रक्रिया थी हमारी सुंदरकांड पढ़ने की, भिक्षा मांगने की, उसने लोगों को प्रेरित किया। सुंदरकांड में जो भिक्षा आती थी वो अलग विषय, उससे प्रेरित होने वाले लोग यहाँ तक आने लगे। तो काम है, उसमें संसाधनों की लगातार आवश्यकता है। अब जैसे हमें हड्डियां जोड़ने वाली एक किट खरीदनी है जी। तो अभी डॉक्टर संदीप से बात हुई थी तो उन्होंने कहा दिल्ली में 50-60 हज़ार के आसपास मिलेगी जी। अभी हम लोगों ने जीवाश्रय का निर्माण कराया है, नया ये बना है, ये लगभग 35-40 लाख रुपये इसमें लगा है, और वो सब लोगों से 100-100, 200-200, 500-500 रुपये मांग करके इकट्ठा किया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इकट्ठा किया गया होगा। तो अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ को हम संकट नहीं मान के चलते हैं, क्योंकि हम उसी यात्रा पर हैं। आज 100 मिले हैं, कल 200 मिलेंगे। ईश्वर की इतनी कृपा है, लोगों का इतना विश्वास है कि संकट जैसे ही हम जबान पर लाते हैं वैसे ही वो संकट खत्म होने लगते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो
अर्थ की जो बात है तो ईश्वर की दया से कोई ना कोई आके कोई ना कोई आ जाता है, दान देके चला जाता है, चंदा देके चला जाता है। तो ये जो पूरा जो जीव आश्रम है ये इसी मतलब दान और चंदे बस 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 बल पे ये चल बिल्कुल रहा है। लोगों की भावनाओं, लोगों के विश्वास और लोगों के प्रेम पर ये चल रहा है, उसको कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जी बहुत अच्छी बात, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छाई नहीं बची है, तो ये जीव आश्रम देख के लगता है कि नहीं, ये धारणा गलत है। आज भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी, आपने आपके यहाँ पर कितने जानवर हैं? वर्तमान में हमारे पास 100 से अधिक गाय बछड़े हैं जी। 2 दर्जन के आसपास स्वान हैं जी। 2 घोड़े हैं जी। 5-6 वानर हैं जी। और वर्तमान में 1 मनुष्य है जिसे हम पस्तर स्थिति में ही सड़क से उठा कर लाए हैं। मतलब आप जानवरों के साथ साथ मनुष्यों की भी सेवा कर रहे हैं। मनुष्यों की सेवा से थोड़ा दूर इसलिए रहते हैं कि मनुष्य यदि भूखा है तो वो किसी से मांग के खा सकता है जी। लेकिन जब कोई मनुष्य पशुतर स्थिति में मिलता है जी। कि उसको खाने का ज्ञान नहीं है, उसको नित्य क्रिया का ज्ञान नहीं है, उसने कपड़े पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, जाड़े में वो ठिठुरता तो है लेकिन जाड़ा बचेगा कैसे, उसका इसका उसे ज्ञान नहीं होता है जी। तो जीवाश्रय उसका संबल बनता है जी। बहुत अच्छी बात है। तो और जैसे जैसे आपने जो यहाँ गाय रखी है, ये आपको कहाँ से मिलती है? मतलब आप इन्हें खुद जख्मी हालत में कहीं से लेके आते हैं या कोई आपको इन्हें पहुँचा जाता है? मतलब ये जानवर आपके पास तक कैसे पहुँचते हैं, क्या जरिया है इसका? काम करते करते इतना लोग जान गए हैं कि कोई हनुमंत जीवाश्रय संस्था है जो बेजुबानों के लिए काम करती है। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8005228833। तो ये नंबर अधिकांश लोगों के पास है, बहुत से लोगों के पास हमारा नंबर है, बहुत से लोगों के पास जीवाश्रय के जो सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, उनके नंबर हैं। तो कम से कम उन्नाव शहर और उसके आसपास जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो बीमार बेजुबान होते हैं, उनकी सूचनाएं हम तक आ जाती हैं जी। और हमारे पास 4 एम्बुलेंस हैं जीवाश्रय की जी। 10 कर्मचारी हैं, वो उस सूचना पर भाग कर जाते हैं, उसको उठा कर लाते हैं, उसका उपचार करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पशुओं में एक स्थिति होती है कि यदि पशु ने उठना बंद किया जी, तो फिर उसका जीवन लगभग असंभव हो जाता है। मान लीजिए कि 90-95% पशु हम बचा नहीं पाते हैं जी। लेकिन फिर करते क्यों हैं, एक प्रश्न ये भी अंदर आता है जी। तो करते इसलिए हैं कि मान लीजिए दुर्घटना के बाद कोई गाय 5 दिन जिंदा रही जी। तो वो भूख से नहीं मरती है, वो प्यास से नहीं मरती है, वो धूप से नहीं मरती है, वो ठंड से नहीं मरती है, वो बरसात से नहीं मरती है। ये उपलब्धि है जीवाश्रय के हिस्से में जी। बहुत अच्छी बात है। तो सर, जो आप ये एनजीओ चला रहे हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं? मतलब मेंबर कैसे जुड़ते हैं, क्या उनका सिस्टम है? इस समय हमारे पास लगभग 350 सदस्य हैं जो व्हाट्सएप के 2 ग्रुपों पर जुड़े हैं। इंस्टाग्राम पर 13,000 के आसपास फॉलोअर हैं जी। फॉलोअर उसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हम उसको उनको अपना पारिवारिक सदस्य कहते हैं। तो उन सदस्यों में भी तमाम उदार लोग हैं जी। तो जब हम पुकारते हैं किसी बात के लिए तो लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, कोई कोई 100 रुपये महीने देता है, कोई 50 रुपये देता है जी। कोई 500 देता है, कुछ लोग हैं 1-2 लोग गिने जो महीने में 5,000 या 2,000 भी देते हैं। तो अर्थ आने के ये साधन हैं, ये रास्ते हैं जी। और ये जो यहाँ पे जानवर हैं, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? आप मतलब खाने पीने के लिए इन्हें क्या देते हैं और किस तरह इन सबका मैनेजमेंट होता है? जो लोग अपने घरों में गायों को खिलाते हैं भूसा, आसपास के गांवों में हम हरा चारा पूरा खेत का खेत खरीद लेते हैं। यहाँ बगल में गांव है मसवासी, वहाँ हमने 3 बीघे बरसीन खरीद रखी है। बगल में गांव थाना है, वहाँ 1 बीघे बरसीन खरीद रखी है जी। हरा चारा, चोकर, खली और ठंडक में गुड़,
ये सब गायों को दिया जाता है, श्वानों को सवेरे दूध रोटी, दोपहर में पिटगरी, शाम को रोटी और अंडा, ये श्वानों के लिए है। वानरों के लिए तो चूंकि उनकी संख्या कम है तो वो बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं। जैसे हमारा एक वानर है वो काले अंगूर ही खाता है, तो उसके लिए काले अंगूर आते हैं। वर्तमान में तरबूज बहुत महंगा, उसको तरबूज बहुत पसंद है तो तरबूज आता है। तो जो उन्हें अच्छा लगता है आप वही उन्हें देते हैं। वो उपलब्ध होता है, ये ईश्वर की कृपा है, हम तो माध्यम है मात्र। अच्छा, जैसे मैंने बहुत जगह सुना है कि लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, लोग श्वानों की सेवा कर रहे हैं, ये बंदर आपने कैसे, मतलब इनके कैसे पहुंचे आप तक, आप इनके लिए कैसे मतलब काम कर रहे हैं? ये पहला वानर हमारे पास जो आया, एक हमारे रिश्ते की एक महिला थी, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक छोटा वानर अपने बच्चे के रूप में पाला और उसका नाम उन्होंने पूतू रखा। 12 वर्ष वो वानर उनके पास रहा, फिर उनका देहांत हो गया तो वो वानर अकेला बचा। उसकी जो स्थिति, उसका जो स्वभाव, वो बहुत आक्रामक, वो किसी को भी अपने करीब नहीं जाने देता, काटता। चूँकि हमारे पास आ गया था और हमको उससे निकटता बनानी ही थी, तो उसने स्वभाववश हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, तो हमने उसको मारा। फिर एक दिन, जिस दिन मारा उस दिन से हमारा और पूतू का इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि पूतू हमसे ही खाते हैं, हमसे ही पीते हैं, कोई उनके आसपास नहीं जाता है। पहले वानर की शुरुआत तो यहाँ से है, उसके बाद कोई 100 वानर आए होंगे, कोई करंट से, कोई एक्सीडेंट में, लेकिन जीवित हमारे पास इस समय 5 वानर हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे जो श्वान आए या जो वानर आए या जो गाय आए, तो कैसे किन हालत में आपको ये जानवर मिलते हैं? अधिकांशतः तो सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं जी। और जो आते हैं उनमें बहुत सी परिस्थितियां हैं जी। जैसे गाय ठंड से रात में, और ठंड उसको असर इसलिए ज़्यादा करती है कि उसका पेट खाली है जी। उसको जो पौष्टिक आहार मिलने चाहिए वो छोड़ दीजिए, पेट भरने के आहार उसको नहीं मिलते जी। आप देखती होंगी कि सड़क पर पॉलीथीन चबाती जी, नाली का पानी पीती जी। गाय दिखती है जी। तो वो ठंड की मार कैसे झेल पाएगी, ये अपने आप में स्वयं से करने वाला प्रश्न है जी। हमने 2 लाइनें लिखी थी कि पत्थरों के खेत में प्लास्टिक की घास है जी। बोलते हैं बावरे गाय माँ उदास है। तो गाय को माँ कहकर चिल्लाना और गाय की स्थिति, परिस्थिति, दुर्दशा पर जी। काम करना, दोनों अंतर के विषय हैं। सर, आपने कोरोना काल में, जैसे हम जानते थे सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ एकदम बंद हो गया था, बहुत दिक्कतें, तो उस समय आपने कैसे मैनेज किया है बहुत, जानवरों को खाना पीना? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मार्च का महीना था जी। जब एकदम से घोषणा हुई कि सब कुछ बंद, तो जो डर अंदर आया कि जीवाश्रय में जहाँ 3 लाख रुपये महीने का खर्च लोग अपने लिए जीने के रास्ते ढूंढेंगे, तो उन जीवों का क्या होगा जो जीवाश्रय में है। यही सोच कर इसी उधेड़ बुन में हम आज आ रहे थे, तभी एक और नया संकट सामने दिख गया कि जो सड़क पर जानवर थे वो सब्जियों के ठेले से फेंकी, बची सब्जी फेंकी जाती थी मंडियों में, चाट की दुकानों पर जो पत्तल होते थे वो चाट कर, जलेबी की दुकानों के पत्तल चाट कर कुत्ते जीते थे, अंडे की दुकान पर 2 गाय खड़ी होती थी। तो हमने सोचा कि क्या गाय अंडे भी खाने लगी, तो कई दिन तक हमने वहाँ रुक कर देखा, तो पता चला कि रात के 12-1 बजे वो अंडे वाला जो प्याज के छिलके फेंकता है उनको खाने की प्रतीक्षा में वो गाय वहाँ खड़ी होती। तो लगा कि अब वो लोग कैसे जीवित रहेंगे। एक एक व्यक्ति ने साथ दिया और जीवाश्रय की यात्रा शहर के सारे गोवंशियों को साथ लेकर चलने में समर्थ हो गई। हमने लगातार 3 महीने 3 ट्राली 4 ट्राली हरे बंधे गांवों से खरीद कर यहाँ कटवा कर सारे शहर में बटे हैं चारा। और उसके लिए जब हमने प्रार्थना की, लोगों के आगे हाथ फैलाए, तो किसी भी दिन चारा खरीदने के लिए ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास पैसे ना आए हों। किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए,
तो हम उन सबको आपके माध्यम से प्रणाम जरूर करना चाहिए। जीवाश्रय की यात्रा जैसी थी उसकी चार गुना ज्यादा चली, तो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों का बहुत अहम योगदान रहा। यात्रा मतलब आपको बताएं कि शहर के स्वानों में पार्ले जी के बिस्कुट बट रहे थे, बंदरों में केले बट रहे थे, कोई चने भिगो के ला रहा था, कोई गेहूं भिगो के ला रहा था, कोई पुए बनवा के ला रहा था। स्थिति ये हुई कि जहां हम लोग पीडी नगर में खिलाने जाते थे वहां के लोग हमसे लड़ने लगे कि ये बंदर हमको परेशान करते हैं, आप लोग यहाँ खिला खिला के और उनको वहाँ यहाँ परकाए दे रहे हैं। जी, जी, जी। तो उन सबकी शिकायतें गालियाँ सुनते हुए भी हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में भरपूर भोजन की व्यवस्था कराई बेजुबानों की, जानवरों को और साथ साथ जो और भी जानवर हैं उन्हें किसी बिल्कुल बिल्कुल कोरोना काल में बेजुबानों को कोई संकट नहीं हुआ कम से कम उन्नाव में। जी, एक और सवाल है कि जैसे आपने बोला कि किसान और जो गोवंश है इनका हमेशा से एक बहुत गहरा नाता रहा, ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं और किसान गोवंश की सहायता से जानवरों की सहायता से अपनी आय दुगनी करता है। जी जी। तो आज क्या रिश्ता रह गया है इनका, आज बदलाव आए हैं इनके रिश्ते में? आज दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। जी। किसान और गोवंश की शत्रुता इतनी भयावह स्थिति में है कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। एक तो दृश्य सामने दिखता है कि अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में उन तारों की बाड़ लगाई गई है जो तार हमारे देश में बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं। जी। वो तार शत्रुओं का प्रवेश न हो इसलिए सीमाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो प्रदेश या देश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ पर वो तार न लगे हों, और उन तारों के लगने का जो दुष्परिणाम है वो या सामने आपके यहाँ पर है। जी। इस तरह के पशु हमारे पास लगभग रोज आते हैं। जी। किसान चाहता है कि उसके खेत चरने से बच जाएंगे, गाय कट जाए तो कट जाए, किसान और गोवंश का रिश्ता आज यहाँ खड़ा है। जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो आपसे वो ये है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कई मुद्दों पे बहुत संवेदनशील है, आज के हमारे जो युवा हैं वो कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई बेड़ियां नहीं बांध रखी हैं किसी ने कि नहीं आप ये नहीं करेंगे आप ये नहीं करेंगे, तो उन्हीं में से कुछ हमारे युवा ऐसे भी हैं जो जानवरों के लिए सड़क पर जो जानवर तड़प रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपके जैसे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से और भी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या हमारे युवाओं को बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? हमारी प्रार्थना जरूर है नई पीढ़ी से कि वो जो भी करें वो करने से पहले अपनी आत्मा से उसका प्रश्न जरूर करें। एक बात पूरी तरह से सत्य है कि आत्मा को परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है, और जब आत्मा से आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर बिल्कुल सही आपको मिलेगा। आप भले उस उत्तर पर काम न करें, आप मस्तिष्क की सुने, आप अपने शरीर की सुने, और संदेश अगर कहें आप तो संदेश भी यही है कि कुछ भी करने से पहले अपनी आत्मा से प्रश्न अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद आपका कि हमारी इस सेवा को, हनुमंत जी वासरे की सेवा को लोगों तक पहुंचाने का आप माध्यम बन रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन सभी जानवरों के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली पे नहीं, जब कभी समय मिलता है तो हम चले आते हैं। घर में भी एक दर्जन है, अभी हमने कुछ निकाल दिए थे, 23 कुत्ते थे हमारे पास। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मुझे वैसे भी स्वान से ज्यादा लगाव है, स्वान ओनली फॉर स्वान। डॉगी थे पालने में, बाबा थे शौकीन, पिताजी शौकीन पालने में, और वो हाँ वो मेरे में आ गया, उनके में एक सामान सौ है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई टेंशन लेके जब घर जाओ तो वो जो बंदा आके जब चढ़ता है ना ऊपर, बहुत और जब आप बैठ जाओ सब लोग आप उसमें हाथ लगाएंगे ये वो जो स्पर्श करते हैं, अजी सारा टेंशन से चला जाता है मेरा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
आप देख सकते हैं यही है कुत्तों का सबसे ज्यादा मतलब लगाव कि लोग इतना प्यार क्यों करते हैं आखिर उनसे। वो क्या हुआ है मतलब ये वो जो हम आपसे अभी चर्चा कर रहे थे बैन ब्लेड वाले तार जी। उनका ये शिकार हुई है, इनके दोनों पैर हड्डियों तक कट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश आपकी जारी, कोशिश ही आदमी के हाथ में है, बाकी ईश्वर का काम है। बहुत अच्छी बात। ये बछड़ा है ये कल ही आया है कानपुर से, यशोदा नगर से किसी महिला ने हमसे कहा कि उनके पड़ोस में किसी आदमी ने इस बछड़े को इतना मारा कि इसकी एक टांग टूट गई है, चार दिन से पड़ा है, कल हम इसको उठा कर लाए हैं, इसका एक अगला पैर ऊपर से उतरा हुआ है, खड़ा करते हैं तो खड़ा हो जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे लंगड़ा के चलेगा। मतलब लोग डंडों से भी मार के जानवरों को घायल करते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत बहुत परेशान करते हैं लोग, परेशान तो इस तरह करते हैं कि रात में ठंड में उनके दरवाजे कोई गाय जाती है तो पानी डाल देते हैं लोग। आप अखिलेश जी आपको क्या लगता है लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि लोगों को आखिर इतनी नफरत क्यों है आखिर इन बेजुबानों से इन जानवरों से? नफरत उनसे इतनी नहीं है जितना उनको खुद से प्रेम है। थाना गांव से आई है जी। इसकी सींग टूट गई जी। सड़ गई, अब इनका उपचार चल रहा है, ये लगभग ठीक हो जाएंगी जी। ये तीन गायें भूख प्यास से लड़ती हुई गर्भवती हुई सड़क पर ही इन्होंने बच्चे जने। वर्तमान में मनुष्य का और गाय का रिश्ता सिर्फ स्वार्थों का है, अगर ये दूध दें तो हमारी इनकी रिश्तेदारी है, हम गौसेवक हैं, जीवाश्रय इनके बच्चों को जिलाने की व्यवस्था में लगा है ताकि इनका पेट भरता रहे और ये अपने बच्चों को जिंदा रख सकें। ये हड्डियों का ढांचा थे, अब भी हैं, ये हमको बिल्कुल मरणासन्न हाल में मिले थे, इनको दवाइयाँ दी गई, अब ये इतना चलने लगे हैं इतना उठने लगे हैं कि खुशी तो मिलती ही। इनका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये कुछ महीने या कुछ दिन की गर्भवती थी, तीन पैर से चलती हैं। अभी इन्होंने परसों यहाँ पर दो बच्चे दिए हैं छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे बच्चे। ये वो प्रजाति है जिसको शौकीन लोग बहुत पसंद करते हैं, लैब्राडोर जी, बहुत संवेदनशील प्रजाति कही जाती है। क्या नाम है इनका? इनको टफी कहते हैं लोग, तो बहुत ही प्यारे नाम है। हेलो टफी, टफी भाई हमारे साथ पूरा आनंदित है। बहुत प्यारा, तो मतलब ये स्वानों के रहने के लिए जी जी जी, ये ठंडक में इसमें हाइलोजन लगे हैं जी। ये जब इसमें ये गंदगी कर देते हैं तो पूरा पैरा बदल दिया जाता है, पूरा ढक दिया जाता है, हाइलोजन जला दिए जाते हैं, रात में सारे स्वान इसी में आराम करते हैं। अच्छा, और ये इसको इसे क्या हुआ? ये इस तरह के कई हैं जी, ये हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी रीढ़ की हड्डी चली गई, ये पीछे से बेकार है पूरी तरह, सब इसी तरह के हैं लगभग। पामेलियन इन, ये अंधी हैं, इनको जिसने भी पाला होगा इनके अंधेपन के कारण इनको सड़क पर डाल, जब तक उन्हें हाँ जब तक उनको लगता है कि ये उनके काम का है तब तक वो रखते हैं और फिर वो बाकी छोड़ देते हैं। जी हैं श्वान, इनकी सबकी कमर टूटी है। एक और दुर्भाग्य की स्थिति है, ये भी कमर टूटी हुई है और ये गर्भ से हैं, ये दो तीन दिन में बच्चा देने वाली है। आइए आपको वानरों से मिलाते हैं। इसका पैर खराब हो गया इसीलिए इसको छोड़ दिया गया, ये हमको शुक्लागंज के पास मरणासन्न हाल में मिले थे पड़े हुए लॉकडाउन के पीरियड में, वही मार्च का समय था, ये उठ नहीं पाते थे जब लाए गए थे, ये स्वस्थ हुए, ये पैर कई बार ठीक हो चुका उनका इनका, और कई बार फिर इसी स्थिति में आ जाता है, शायद यही वजह रही कि पालक ने इनको मरने के लिए छोड़ दिया। ये खच्चर है, इसका पैर उसी ब्लेड वाले तार से पीछे से कटा है। ब्लेड वाले तार काफी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। इनसे बिल्कुल बिल्कुल। ये है दुलारी, ये छोटी वाली, ये पीडी नगर में गिरी थी टावर से, 20 दिन लगभग ब्रेन हेमरेज में रही, उसके बाद जब ठीक हुई तो आंखों की रोशनी इनकी चली गई, उपचार हुआ, फिर एक महीने लगभग उपचार के बाद इनकी आंखों की रोशनी भी आ गई। वो छोटा वाला बच्चा ट्रेन से लड़ा था आवाज विकास में, और ये पूतू हैं, दो बानर और स्वस्थ हैं, अभी छोड़े गए हैं, अभी यही कहीं होंगे। अच्छा।
बात आप देख सकते हैं कि जानवर ही ऐसे जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। देखिए इसमें तो मुझे पकड़ लगता है। दुला लिया। मतलब आप दिन में छोड़ देते हैं कि मतलब हाँ ये बाहर घूम लेते हैं तो अंदर सूख भी जाता है। अच्छा हाँ मतलब अंदर साफ सफाई हाँ, अंदर सफाई हो जाती हाँ, है। अच्छा हमने के सारे यही स्वस्थ हो जाए। देखिए इनका एक पैर कटा है, यहाँ जो भी है आप उनका एक पैर टूटा है, अब इससे ज्यादा ठीक नहीं होता। जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, यही उपलब्धि है जीवन। वही तार से कटा, ये तार से कटा, ये कटा, ये इसका मुंह कटा था, ये सूख गया है, ये ठीक होगा। तारों के काफी ज्यादा तारों के बहुत मामले। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप मतलब कब से ये सब मतलब जानवरों की सेवा करें, कब से? हमको हो गए 6 साल। इधर इधर ना जमीन थी ना कोई छाया थी। जो हमारा जो जिला अस्पताल है वहीं पे जो है दादा अकेले करते थे, वहीं से तो हमने उनको देखा, तो हमने उनसे पूछा, तो हम उनके साथ लग गए थे। उनके साथ चाहे रात को 2 बजे कॉल आए, यहाँ पर चाहे कितने टाइम ही है हमेशा मौजूद रहते जी, समर्पित भावना से। तो मतलब एक जो खुशी, जो एक एहसास होता है, जो सुकून मिलता है उसका। कल सबसे बड़ी कल हमको खुशी मिली जब राजू जी को जो हम छोड़ने गए, जो मतलब आदमी जो कहता है ना ये सब बेकार है जी, तो हमको असलियत जो है वहाँ पे हमको मालूम पड़ी। उनके घर में 4 प्राणी ऐसे थे कि राजू जो है मेन उनके घर के कमाने वाले थे, वो वही नहीं थे। उनकी माँ जो है कि ये कहती थी कि राजू आ जाओ, जब नहीं राजू पहुँचे थे, उनके पड़ोसियों ने बताया। जब कल राजू को ले कर गए तो ये वो मतलब कह रो रो कहते राजू मेरा आ गया, तो वहीं से हमको जो है सब कुछ मिल गया। हनुमान जो है सिर्फ मतलब जानवर से समर्पित है, उसमें इंसान भी मौजूद है। जी मैंने खुद देखा कि आप हमें खाना खिला रहे हैं, आप सबसे काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मतलब आज मतलब ये मुझे लग रहा है कि वाकई मेरा आना यहाँ पे आज सफल हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिले, आप सबसे मिले और अच्छा लगा मतलब, और शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की जो हमारी ये जो एक टूर था जिसे आप कह सकते हैं इस गौशाला में, वो इसीलिए था ताकि आप देखें कि सभी लोग इसका जीवंत उदाहरण है, ये अपने से बढ़कर इन बेजुबानों का ख्याल रख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना इतना समय दिया हमें। थैंक यू फ्रॉम द वेट्स डायरी टीम। फिर मिलेंगे।